जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अभी हम जो है वो यूज़र से एक इनपुट कंफर्मेशन लेना है हमें, और उसके अकॉर्डिंगली जो है उसकी कंफर्मेशन और उसकी इनपुट के अकॉर्डिंगली जो है वो हमें उसका बेस्ट मैच जो है वो उसको शो करना है। मैं अभी उसको ही इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। जहाँ तक मेरा ये हो गया, अब रिटर्न डज यू मीन परसेंटेज इंस्टेंट, और इसको मैं थोड़ा सा और मीनिंगफुल बनाने जा रहा हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे, से आई टेक इनपुट, यहाँ पे, और इसको जो है वो यहाँ से क्लोज कर दिया, और यहाँ पे इंस्टेंट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, और यहाँ पे लिखा से एंटर वाई इफ यस, और एम इफ नो। ओके, उसके बाद ये कर दिया, और यहाँ से हमने इसको ये कर लिया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मीनिंगफुल बनाने के लिए अब मुझे क्या है, उससे कंफर्मेशन चाहिए। अगर वो कंफर्मेशन देता है तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे प्रोसेस करना है। अगर वो बाई प्रेस करता है तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे इसको प्रेस करना है। तो इसको मुझे रिटर्न नहीं करना है, मुझे इसको प्रोसेस करना है। तो मैं इसका जो आउटपुट आएगा वो मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। से मैं यहाँ पे ले लिया वेरिएबल वाई एन, यस नो एक वेरिएबल ले लेते हैं, ले लिया इसमें। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा से विद इन दिस इफ वाई एन इज इक्वल टू से यस वाई। यस, तो मुझे क्या करना है, तब तो मुझे रिटर्न करना है उसको डाटा, डाटा रिटर्न करना है। कौन सा डाटा रिटर्न करना है, जो डाटा ये वाला फंक्शन जो है मुझे रिटर्न करेगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी किया और कंट्रोल सी से, और इसको ये जो है वो आर्गुमेंट पास कर दिया। ओके, मुझे ये वाला डाटा जो है वो मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है। मैं सेव किया अपने प्रोग्राम को, और यहाँ पे फिर से इसको रन करता हूँ। मैंने वर्ड एंटर किया से यहाँ पे और रेन। ओके, डू यू मीन रेन इंस्टेड, एंटर वाई इफ यस और नो, एन इफ नो, आई एंटर वाई यस। उसने मुझे क्या कर दिया, और रेन का डेफिनेशन जो है मुझे रिटर्न कर दिया। मेरा प्रोग्राम का स्क्रिप्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब मैं इसको दोबारा फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ, और इस बार मैंने टाइप किया यहाँ पे से फिल्म, एंटर। डू यू मीन फिल्म इंस्टेंट, एंटर वाई इफ यस और नो इफ नो। इफ मैं अगर मैं एन प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे, इसने मुझे नन रिटर्न कर दिया, क्योंकि मैं इसको हैंडल ही नहीं कर रहा हूँ। उसके ऊपर मुझे नन जो है वो कोई मीनिंगफुल नहीं है, इसका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे इसको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, इसको हैंडल करना है प्रॉपरली। मैं इसको यहाँ पे, और देर मे बी अनदर सिचुएशन लाइक, इसको रन करते हैं और एक बार फिर से इसको देखते हैं। जैसे एक सिचुएशन ये आ सकती है कि फिल्म, और मैं सजेस्ट किया, और यहाँ यस नो करने की जगह उसने कुछ और दबा दिया, कोई और पेंटर कर दिया से, भी ये नन आ गया। मेरे पास सिचुएशन यहाँ पे तीन सिचुएशन आ रही हैं यहाँ पे, या तो वो बाई प्रेस करेगा, या एन प्रेस कर देगा, या मिस्टेक से कुछ और की प्रेस कर देगा। मुझे इन तीनों सिचुएशंस को क्या करना है, हैंडल करना है। मैंने क्या किया है कि इफ आ गया, इफ के बाद यहाँ पे
एलिफ लिखा और यहाँ पे चेक किया वाई एन इक्वल टू से नो एन। उस केस में मुझे उसको रिटर्न करवाना है से सेम लाइन, सेम लाइन इसको रिटर्न करवाना है। सो आई राइट इट हेयर एल्स। अगर इसके अलावा वो कुछ और दबा देता है से कुछ और लिख देता है, यस क्लो की जगह कुछ और लिख देता है, तो मुझे उसको रिटर्न करवाना से से वी डोंट अंडरस्टैंड योर एंट्री, वी डोंट अंडरस्टैंड। सो सेव किया मैंने चेंजेस को, उसके बाद फिर से मैंने प्रोग्राम को रन किया और या ओके। सो देर इज एन एरर, यू मस्ट हैव टू पुट सेमी कॉलन हियर, सॉरी। सो सेव योर चेंजेस, क्लियर द स्क्रीन और उसके बाद इसको रन किया। हमें यहाँ पे टाइप कर दिया से फिल्म, इट्स आस्क मी इस, सो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया से वाई। ओके, उसने मुझे क्या कर दिया, उसका डेफिनेशन रिटर्न कर दिया। उसके बाद अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे फिर से मैंने लिखा से फिल्म और यहाँ पे इस बार मैंने एंटर कर दिया से नो। सो मैसेज आ गया, द वर्ड एंटर डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज चेक केयरफुली। ओके, इट्स वर्किंग ग्रेट। और उसके बाद मैंने एंटर किया फिर से इसको और इस बार मैंने ऐड कर दिया से ट्री, थ्री टाइम ई ऐड कर दिया से इट सजेस्ट मी यस, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया से जी एच कुछ और ऐड कर दिया। सो वी डोंट अंडरस्टैंड योर एंट्री, सो अवर स्क्रिप्ट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। यहाँ तक जो हमने स्क्रिप्ट लिखा है ये भी प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया से माउंटेन, सो इसने मुझे क्या कर दिया, यहाँ पे माउंटेन का डेफिनेशन रिटर्न कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर एंटर कर देता हूँ से समवन एंटर द नंबर, तो मिस आ गया, द वर्ड एंटर डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज चेक केयरफुली। ओके फाइन, अच्छा काम कर रहे हैं जो हम लोग प्रोग्राम से एक्सपेक्टेड था, प्रॉपरली काम कर रहे हैं। सो इसको मैंने फिर से यहाँ पे क्लियर किया और अब मैंने फिर से स्क्रिप्ट को यहाँ पे रन किया और इस बार मैंने वर्ड एंटर किया से साइंस। सो एंटर करने के बाद उसने मुझे एक ये रिटर्न कर दिया। अब मेरे प्रोग्राम के साथ ये एक इशू आ रहा है यहाँ पे कि अगर मैं इसको देखूँ तो मेरी आउटपुट जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स इस ब्रैकेट्स में आ रही है और एक एज एक क्या कह सकते हैं हम उसको, एक डिक्शनरी की तरह रिटर्न हो रहा है। सो मैं ये सब चीज़ नहीं चाहता अपने प्रोग्राम के अंदर। सो मैं क्या चाहता हूँ, अब प्रोग्राम से आउटपुट ये चाहता हूँ कि ये मुझे ऐसे ये वाली स्क्वेयर ब्रैकेट्स नहीं चाहिए, ना ही ये मुझे कोट्स चाहिए, सिंगल और डबल कोट्स चाहिए। और अगर किसी वर्ड की डेफिनेशन जो है वो एक से ज़्यादा लाइन में है तो मुझे, या एक से ज़्यादा डेफिनेशन है किसी वर्ड्स की, तो वो हर डेफिनेशन जो है वो न्यू लाइन में डिस्प्ले होना चाहिए। सो अब ये छोटी सी फॉर्मेटिंग जो है वो मैं अपने प्रोग्राम के अंदर करना चाहता हूँ। सो इसको कैसे करना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।